हेलो, सत श्री अकाल जी सारे नूं। होर दोस्तों ठीक ठाक? सारे उम्मीद करदा सारे ठीक ठाक होंगे। दोस्तों कुछ क वीर भरा जिहड़े सऊदी अरब आउंदे आ जां किसी भी कंट्री 'च आउंदे आ, वो सोचदे आ कि असीं सानूं इदां दा काम होना चाहिदा वा कि जिथे स्टार्टिंग तो ही सानूं कोई 70-80 हज़ार जां लख रुपया साडा बन जाए। पर इदां दा कुतै भी कुछ नहीं हुंदा। भावें तुसीं दुबई चल जाओ, भावें सऊदी चले जाओ, भावें मस्कट, बहरीन, कुवैत, कितें भी चले जाओ, ताडा पहले 2 साल दे विच जे तां तुसीं नॉर्मल काम दे विच जाणा, जिद्दां ड्राइविंग हो गई, हेल्पर दे विच हो गए, जां कोई भी मान लो ताडा काम है छोटा मोटा जिहड़ा काम आ जांदा वा, जिद्दां राज मिस्त्री दा हो गया, इदां दे काम दे विच तुसीं कोई फर्स्ट टाइम मेरे आइडिए दे नाल कोई 30-40 हज़ार रुपया दे सकते हो महीने दा, इस तो वध नहीं। बाकी जे तुहानूं कोई कहिंदा वा कि तुहाडे इन्ने पैसे बन गए, लख बन जूगा, 1.5 लख बन जूगा, इदां दा कुछ नहीं हैगा। बाकी चलो काम ते डिपेंड करदा आ, सारे काम जिहड़े आ अलग अलग हुंदे आ, ज़्यादातर इन्ने की पैसे बनते ने कि 30-40 हज़ार रुपया महीने का तुसी अपने घर भेज सकते हो। रोटी पानी का भी खर्चा हुंदा वा, वो भी जिन्नी तुहाडी सैलरी लगती उहदे विच ही हुंदा वा। जे 1,000 रुपया सैलरी लगी आ तो 200 रुपया खाने का हुंदा, 1,200 मिलता। जे 1,200 लगी है तो 200 रुपया खाने का हुंदा, या 1,400 मिलती है। फस्ट 2 साल जिहड़े तुहानूं इन्ने की पैसे बनते आ। एवें किसी दीयां गल्लां दे विच आ के जे तुहानूं कोई कहिंदा कि 1-1.5 लख रुपया बन जू, ते जो दोस्तों सरासर झूठ आ, एक गमराह करन वाली गल आ। जांदे आ इन्ने पैसे नहीं मिलते। फस्ट 2 साल दी मैं गल करदा पिया, पहले 2 साल दे विच तुहानूं अपनी सैटिंग ही होनी आ। जे कोई वीर ड्राइवरी जाऊन रहा वा तो चलो 1,200-1,500 रियाल सैलरी लग जाती है, उस तो बाद जो तुम ट्रिप सिस्टम मिल जाता वो थोड़े जे तुम 40 नहीं तो 45 हज़ार रुपये महीने का कमा लोगे, इस तो वध नहीं। पर एवें किसी दिया गलों के बच्चे आ के किसी वध पैसे ना भर दिया करो, अगले बन्ने देखिया करो कि इन्नी साड़ी सैलरी बननी है, ये विच साडा खर्चा भी होना है, ये विच साडियां जिहड़ियां जरूरी चीज़ां ने वो भी जरूर लैनियां पैनियां वा, ते साडा गुजारा हो जूगा, साडे घर का खर्चा किन्ना है, ये सारा देख के चलिया करो कि साडा इन्ने क पैसे साडे जिहड़े मिलदे पए आ, इन्ने क पैसिआं नाल साडा तुसीं सैलरी अकाउंट करिया करो। ये ना देखिया करो कि जे तुहानूं कोई कहिंदा ओवर टाइम मिल जूगा, तुहानूं बोनस मिल जूगा, तुहानूं एक्स्ट्रा पैसे मिल जाएंगे, ये ना देखिया करो। ये तो टाइम पे पता लगता कि किसी नूं ओवर टाइम किसी का लगता है कि किसी का नहीं लगता, किसी का 2 घंटे लगता, किसी का 4 घंटे लगता, किसी का लगता ही नहीं। इन्ना क थोड़ा जहा देख के चलिया करो, एवें किसी दिया गलों के बच्चे आ के ते अगले नूं अपना सारा कुछ ना फड़ा दिया करो। इत्थे जो दसदे आ लोग वो हुंदा नहीं है, जो हुंदा आ वो दसदे नहीं है। बाकी मेहनत करनी पैंदी आ, किते भी जाओगे मेहनत करनी पैनी है, मेहनत करके तुहानूं अगे आना पैना है। बाकी सारा कुछ एजेंटां ते भी डिपेंड नहीं करता, कुछ तुहाडे ते भी डिपेंड करता है कि तुसीं किदां काम करना। जो तुसीं काम ते ही ना जाओगे जां तुहाडा दिल ही ना करूगा, तो काम बाद च आउंदा आ कंपनी च, तुहानूं ढिड पीड़ तुहाडे पहलां आउण लग पैंदी आ। कोई कहिंदा मेरा लक दर्द नहीं हटदा, कोई कहिंदा कि इन्ने कि मैं उत्थे ही कमा लैंदा है, ये तुहाडे ते अपने ते भी डिपेंड करता कि जे ते अपने घर की मजबूरी समझ के चलोगे बाहर तो तुहानूं किसी चीज़ की कमी नहीं। तो जे ऐश परस्ती करनी है तो फिर इत्थे ही रहा करो, इत्थे ऐश परस्ती नहीं जो होंगी, इत्थे तां काम आ, काम दे नाल मतलब रखना पैंदा, वध भी पैंदा घट भी पैंदा, हिम्मत होनी चाहीदी है काम करन दी, काम करना पैना। बाकी जरूरी ये ना देखिया करो कि साड़ी इन्नी सैलरी लग गई है वो इदा कम
पर काम करना पैना जो इन्नी क हिम्मत रख के घरों तुरया करो कि सही काम करने दे लायक हैगे आ। इत्थे दो दिन भी काम करना पै जांदा लगातार, तीन दिन भी काम करना, जे साडी गल करो तो अं 24 घंटे काम करते, तो हर कोई आ के आउंदिया सैट नहीं हुंदा, मेहनत करनी पैंदी आ। असी गड्डियां भी धोतियां, असी वेले भी रहे हैं, असी भुखे भी रहे हैं, असी बहुत माड़ा टाइम भी देखिया, साढ़े जिन्ना चंगा टाइम भी किसी ने नहीं देखना, तो साढ़े जिनी ऐश भी किसी ने नहीं लैनी, तो साढ़े जिन्ना धक्के भी किसी ने नहीं खाने। पर हर एक समय समय के नाल सारा कुछ चेंज हो जाता वा। जे अज अं इस मुकाम पर पहुंचे तो असी किसी गल न पहुंचे, अं कुछ करके पहुंचे हैं। जरूरी नहीं है कि कोई हुण मेरे दोस्त ही कई आते जेडे मेरे नाल एक दो दिन घूम लेंगे ज मेरे नाल मेरा काम देखते जिदा मेरे नाल बह खलो लिया, उन्होंने भी मन टिके डोले जे खान लग पा कि असी इस काम च क्यों आ गए, असी इदा के काम चाहना ही, अं इदा के काम चाहना है। पर इदा का कुछ नहीं होंगे, मेहनत करोगे तो तुसी कोई भी मंजिल अपनी हासिल कर सकते हो। टाइम टाइम की गल आ, समा चंगा माड़ा चलता रहिंदा है, परवाह ना करिया करो, पर अपनी हिम्मत रख के काम करिया करो कि किसी का काम देख के ये ना सोच लिया करो कि यदा काम चंगा आ तो मेरा काम माड़ा आ। ये हर एक इदा ही लगता, अपना काम जिहड़ा आ वह औखा लगता, तो जिहड़ा दूजे का काम आ सौखा लगता, पर जदों हाडे वाली सीट पर बह के काम करना पैंदा ना, फिर पता लगता कि काम किदा हुंदा। साडा कोई टाइम नहीं ड्यूटी का, 24 घंटे भी काम करना पैंदा, 28 घंटे भी काम करना पैंदा। इत्थे काम ते नाल काम जदों भी काम हैगा आ जाना ही पैना, भावें रात के 2 बजे आ, भावें रात के 3 बजे आ, भावें रात के 4 बजे आ, भावें रात के 12 बजे आ। तो जे किसी टाइम साडा इदा का भी काम हुंदा आ कि असी रात के भावें 2 बजे भी घर आए हाँ, तो जे सानू काम आ गया वा, जे 3 बजे आ गया वा फोन, तो सानू 3 बजे ही जाना पैना आ। ये कोई जरूरी नहीं है कि असी हुण 2 बजे आए हाँ तो असी जा नहीं सकते, साढ़े को जाया नहीं जाना, जे साडा काम आ गया तो सानू जाना पैना। इन्ना क थोड़ा जिहा ध्यान रखिया करो। बाकी हाँ, अलग अलग काम आ, आपो अपने काम का फर्क हुंदा, किसी की 8 घंटे ड्यूटी साडी भी 8 घंटे ही आ, पर साडा जिहड़ा काम आ साडी ड्यूटी तो बाद ओवर टाइम शुरू हो जाता, तो साडा साइडा का काम आ, साडी साइड ते जे कोई रात प्रॉब्लम आ गई तो सानू जाना पैना। तो दूजी गल कि सारे इदा भी नहीं चल रहे, किसी की 8 घंटे ड्यूटी होंगी, 8 बजे तो बाद कोई किसी को पुछता नहीं, किसी की 10 घंटे ड्यूटी होंगी, किसी को 10 बजे तो बाद पुछता नहीं, जे कोई रात घर आ गया शामी अपनी ड्यूटी खत्म करके तो उन्होंने सवेर तक किसी ने पुछना नहीं, उन्हें डेली रूटीन से अपनी ड्यूटी पर जाना। हर एक का काम का फर्क होंदा आ, बाकी काम करना जरूर पैंदा, प्रोपर ड्यूटी पर रहना पैंदा। जे इत्थे इसे काम दे जे सानू मिनट मिनट का हिसाब लैना पैंदा तो देना भी पैंदा, जे मिनट मिनट का हिसाब लैना ही जानते हैं तो सानू मिनट मिनट का हिसाब देना भी पैंदा है। मेहनत करके पैसे मिलते हैं, घर बैठ के पैसे कोई नहीं देता। बाकी अपने शरीर दे विच हिम्मत होनी चाहिए है बंदे दी। ते कई इत्थे मेरे वीर काम करके खुश नहीं है, तो आते हैं कि साड़ी सैल मुड़ के जो सैलरी आती है साड़ी इन्नी सैलरी आ गई, साड़ी घट आ गई, आ दूजे की इदा आ गई। दूजे की सैलरी ना देखा करो, दूजे का कम देखा करो, कम से डिपेंड करता। तुम ये देखा करो कि अगले ने किन्ना कम किया ज किन्ना कम करता, तो ज असी किन्ना कम किया, तो जी कि सौने अं कि कम करते हैं, ये देखा करो। ये ना देखा करो अगले की सैलरी ना देखा करो, अगले का कम देखा करो। अपने दिल के जड़ी आ उठिया सीधिया भावना जगाते हो, उन्होंने जगा तो थोड़ा जा घट करया करो, अपने काम वाल ध्यान दिया करो। ये नीत न मुरादा है, बंदे की नीत साफ है ना तो सारा कुछ सही है, नीत साफ नहीं है तो कुछ सही नहीं होंगे। कहावत सच्चिया बनिया ने कि नीत न मुरादा ने, नीत न मुरादा, नीत सही होवे ना
ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਦਿੰਦਾ, ਅਤੇ ਜੇ ਨੀਂਦ ਸਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਫਿਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਵਾਹ ਵੀ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਪਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਨੀਤ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇਖ ਕੇ ਸੜਿਆ ਨਾ ਕਰੋ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਮਿਲਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਬਣਦੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਆ ਹੀ ਜਾਂ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਧੱਕੇ ਕਿੰਨੇ ਖਾਧੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਿੰਨਾ ਕਰਦਾ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨਾ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ। ਬਾਕੀ ਮਾਲਕ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਸਵੱਲੀ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਫਲ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਝੋਲੀ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਉਂਦਾ ਆ। ਮਿਹਨਤ ਸੱਚੇ ਮਨੋਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਕਦੇ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਭੁੱਖਾ ਮਰਿਆ ਹੀ ਸਮਝੋ। ਅਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਧਿਆਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ।